जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जान नानक, जिहा तू कराए तिहा हों करी वखियान, बेशुमार अथाह अगणित अतुल, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोले, कूप भरयो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया, कच्छ आरा पार ना सूझ, कूप भरयो जैसे दादरा, कच्छ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया, कच्छ आरा पार ना सूझ, सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी रहाओ, मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए, करो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए, जोगीश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार, जोगीसर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल।
शबर छत्र अते सिंघासन दे मालक बाणी के बोहित सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अते जाहर पीर जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव महाराज जी दल भंजन गुर सूरमा बड जोधा बो परोपकारी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र चरण छो प्राप्त महान पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे सुभायमान बहुत ही सत्कारयोग गुरुसवारी साध संगत जी बटपागे हो जो प्रातःकाल नींद आलस आदि तर्क त्याग करके बिना सर्दी की परवाह किए उद्यमी बनदिया होया आप जी ने निज घर तो गुरु घर आउण दा शलाघायोग सरंजाम किया। उपरंत गुरु चरणा विच विराजमान हो के गुरु क्या दी मुबारक रचना तो गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। गुरु चरणा विच अरदास है महाराज सारिया संगतां दियां तन मन धन करके कीतियां सेवावां अर्पण कीतियां भेटावां अपने दर कबूल फरमाओ। सबना दियां शुभ मनोभावनावां गुरमत अनुसार संपूर्ण करो जी। सतसंगत जिस तरह आप सारिया संगतां नूं ज्ञात है कि भगत रविदास जी जिन्हां दे पवित्र 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच निरूपण गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने अपनियां प्रचारक फेरियां दरमियान जिन्हां भगतां दी बाणी एकत्र कीती और उन्हूं बाकायदा संभाल के रखिया और फिर ज्योति जोत समान तो पहला दूजे पातशाह श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं आप जी वो बाणी का सारा खजाना हैंडओवर कर गए समर्पित कर गए। इस तरह दूजे ने तीजे पातशाह नूं तीजे ने चौथे नूं चौथे ने पंजवें नूं ते फिर जदों पोथा साहब दा बीड़ तैयार होनी सी संपादना होनी सी उत्थे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर तरतीब वार इन्हां 15 भगत साहिबान की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब च निरूपण की जिन्हां चों भगत रविदास जी भी एक ने। 14 फरवरी नूं भगत रविदास जी का जन्मदिन आ रहा है और उन्हूं मुख रखदियां होया इत्थों दी प्रबंधक कमेटी संगत का सुझाव तो यह विचार हुई कि 14 फरवरी तक जां होर दो एक दिन अगे लड़ीवार भगत रविदास जी के बचना की ही विचार की जाए क्योंकि जदों असी किसी महापुरश नूं अभिनंदन करने आ उहदा सत्कार करने आ ते उहदे सत्कार दा एक वड्डा हिस्सा इस गल च हुंदा है कि असी उस दी विचारधारा नूं मन्नदे हाँ कि नहीं मन्नदे और विचारधारा नूं मन्नना जां ना मन्नना बाद दी गल है। पहलां उस विचारधारा नूं समझना हुंदा है जिस विचारधारा दा सानूं पता ही नहीं असी पढ़ी नहीं असी समझी नहीं उन्हूं फॉलो करन दा ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इस वास्ते किसे महापुरश नूं अभिनंदन करना होवे सत्कार करना होवे ते उहदी गल मननी चाहीदी है और उहदी गल मनन तो पहला उहदी गल सुननी पैंदी है और उहनां दे पवित्र बचनां नूं सुनन सुनाण दा ये 40 दिन 30 दिन उपराला कीता जा रहा है। तो तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने पहले 4 शब्दों की व्याख्या आप जी के चरणों में रखी है। अज का यह पवित्र शब्द 5वां शब्द है। विचारधीन शब्द जिस दे आरंभक बोल कूप भरयो जैसे दादरा कच्छ देश बदेश ना बूझ
ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया किछ आरा पार ना सूझ। इस तो पहला दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे चरणा विच इस शब्द दी विचार रखे। आरंभ विच ही बेनती है आप जी ने एकाग्रता बख्श के आसीस देनी, गुरमत विचारां दा माहौल सिरजन विच सहायता करनी जी, तां कि साडा तुहाडा वक्त जाया ना होवे, सफल होवे और गुरु चरणा विच साडी हाजरी लग सके, मन दी हाजरी। तो आरंभ विच रोज़ाना दी तरह सात संगत मन दी एकाग्रता ते रसना दी पवित्रता वास्ते सारी संगत कृपा करो ते प्यार भिज इकट्ठे होके उचारण करो ते आखो जी सतनाम सिरे। फिर कृपा करो आखो जी सतनाम सिरे। विचारधीन शब्द दे आरंभ विच भगत रविदास जी अपनी दशा साढ़े सामने बयान करते ने, और दरअसल ये दशा उन्हां दी नहीं, सानू समझाण वास्ते वो गल अपने ते लै लैंदे ने। बाणीकारां दा तुसी संग्रह बाणी दा पढ़ो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कईआं थावां ते अपने आप नूं नीच पापी हौं पापी वड गुणागार नानक नीच कहै विचार, तो निम्रता विच आ के इस तरह के शब्द अपने वास्ते वरतदे ने। दरअसल वो सानू समझांदे ने और उन्हां नूं पता है भी मनुख इन्ना अहंकारी है, जे इहनूं उपदेश देण लई कहा ना भी तू नीच है तू वकारी है, इन्हें उठ के चले जाना है भाई महाराज मैं गाला सुनने वास्ते थोड़ा आया वा। जिस तरह सियाणी मां नवी आई नूं रुस ना जाए उन्हूं समझांदी भी है ते थोड़ा जिहा ढंग नाल अखाण बन गया कहना धी नूं ते समझाणा नौ नूं। इस तरह सानू समझाने लई बाणीकार कदी कदी तीन चार पांच छे सत पौड़ियां थले उतर के गल करदे ने, वो ते जींदे जी मुकत ने, उन्हां दी बड़ी उच्ची अवस्था है, पर आम मनुख दी हालत जिहड़ी है उन्हूं बयान करन लई अपने ते गल लै के कहिंदे ने कूप भरे हो जैसे दादरा। मैं उम्मीद करांगा तुसी उचेचा ध्यान दिओगे, बचन ते तुसी रोज़ पढ़दे सुणदे हो पर डीप साडा ध्यान नहीं जांदा उधर। एक खूह दा तल जेड़ा है, पानी दा लेवल जेड़ा है, वो जमीन तो 20 फुट 25 फुट 30 फुट हेठां है। असी लज्जा पा के पानी कढ़ने आ, हुण 25 फुट 30 फुट 20 फुट पानी दा लेवल थले है, उहदे विच एक खूह दे विच एक डड्डू दा जन्म होया। गुरमुखो जरा कू चेचा ध्यान दिया, जे जन्म होया डड्डू दा खूह दे विच, खूह दे विच ही वो जवान होया है, खूह दे विच ही बुढ़ा होया है, ते खूह दे विच ही मर गया। वो डड्डू ये समझदा है कि यह जिहड़ा खूह है ना यह ही दुनिया, इहदू बाहर होर कुछ नहीं गा। लोग झूठ मारते हैं क्यों? क्योंकि वह बेचारा ना तो बाहर देख सकता है, कभी कभी कोई कूक कोई आवाज़ खूह दे विच जांदी है जिहड़ी वह सुनता है उन्हूं इस गल का आभास कराती है भी नहीं तू देख नहीं सकता, सुन तो सकना है ना, ये आवाज इस गल की लिखायक है भी बाहर भी कोई दुनिया है, पर उन्हूं वो सुनी अनसुनी कर देता है। असी भी इस तरह माया की खूही दे विच डिगे आए हैं और उस माया की खूही चो सानू बाहर कुछ नहीं दिसदा, सानू सिर्फ माया दिसदी है, पदार्थ दिसदे ने, परिवार दिसदा है, संसार दिसदा है, निरंकार नहीं दिसदा। जिवें कदी कदी कूक वजदी है ते वो एहसास करांदी है डड्डू नूं भी डड्डू तू 25-30 फुट जमीन दे तल तो थले है, उपर नहीं देख सकदा, तेरी मजबूरी समझ विच आउंदी है, कदी कदी तेनू
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਸ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾ 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 ਹਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਵਰਨ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੂਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੂਹ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦੋ ਖੂਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਖੂਹਾਂ ਜਿੰਨਾ, ਚਾਰ ਖੂਹਾਂ ਜਿੰਨਾ, ਸੱਤ ਖੂਹਾਂ ਜਿੰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੱਡੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੇਗ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਲੇਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ, ਤੂਫਾਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ, ਕਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 1% ਦਾ ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 1% ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਥੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਟਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੈਥੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6-7 ਘੰਟੇ ਪਲੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ 6-7-8-10 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੈਥੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਮੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, 7-7-8-8-10-10 ਘੰਟੇ ਕੈਥੇਫਿਕ ਸਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਔਰ 5 ਮੀਲ ਉਹ ਇਉਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, 5 ਮੀਲ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਇੱਧਰ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਇੱਧਰ। ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਇਆ 1 ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਾਬਤ 'ਤੇ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਸਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
और असी ये छोटी जी दुनिया, इस छोटी जी दुनिया दे विच एक छोटा जिहा देश, उहदे विच सब तो छोटा प्रांत, उहदे विच एक जिला, उहदे विच फिर साडा टाउन, टाउन विच अवेन्यू, अवेन्यू विच साडा स्ट्रीट, स्ट्रीट विच एक छोटा जिहा घर, और उहदे विच बिल्कुल पिदके जे असी, ते असी कहिंदे आ वी साडे वर्गा कोई है ही नहीं। सुकरात एथेंस दा रहिण वाला सी, ईड़ी नूं लां फिर थत्थे नूं, ईड़ी नूं लां ला के टिप्पी, थत्थे नूं ही कई लां ला देंदे ने, अंग्रेजी दा कुछ उच्चारण इस तरह, नाम ही लाओ तो उत्थे सर सकदा, ला भी सकदे हो तुसीं। एथेंस शहर यूरोप दा शहर है, उत्थों दे एक तनाड़ बंदे नूं पता लगा भी साडे शहर दा एक मुंडा बड़ा वड्डा फिलासफर है, देशां विदेशां जांदा है, लोग बड़ा सत्कार करदे ने, सानूं पता ही नहीं, साडे शहर दा मुंडा एडा रोशन दिमाग, जहीन बुद्धि, बरीक अकल, एडा वड्डा फिलासफर, लोग उहदा सत्कार करदे ने और सानूं खबर तक नहीं। ऐद की जदों सुकरात आया मैं उहनूं मिलना है, उहनें आले दुआले नूं कहा भी जदों सुकरात आया मैनूं खबर करिआ जे मैं उहनूं मिलना चाहुंदा। बड़ा तनाड़ बंदा सी, मिलन वाला बड़ा रिच सी, अमीर सी। कहिंदे ने जिस वक्त सुकरात आया तो उहनूं खबर की थी भी सुकरात आया, फकीर टाइप बंदा, इहदा पता को नहीं कदों चला जाए, अपनी मन मर्जी दा मालक है। वह कहन लगा मैं आ रहा। वो आया, सामने सुकरात बैठा सी, ते सुकरात ने उहदे वल कोई बहुती तवज्जो नहीं दित्ती। एक गल समझ लैनी, जिहड़े रब दे प्यारे ने, जिन्हां नूं रब दा फलसफा समझ आ गया, उहनां दी इक अवस्था हुंदी है भी मौज विच हसण भी लग पैंदे ने, मौज विच रोण भी लग पैंदे ने, मौज विच चुप भी कर जांदे ने, और सब तो खास गल जिहड़ी लोकां नूं चंगी नहीं लगदी, उह परमात्मा तो सिवा परवाह किसे दी नहीं करदे। बादशाह कौण है जिन्हें अपनियां लोड़ां घटा लईआं ने, लोड़ां घटा लैंदे ने, विदाउट फैसिलिटी रहना सिख लैंदे ने, ते फिर कहिंदे ने मुसाफरी ये परवाह किसे दी नहीं करदे। लिखिआ रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाहै, परवाह नाहीं किसे केरी बाज सच्चे ना। कोई परवाह ना कीती, गुरमुख प्यारे लापरवाह ते नहीं हुंदे, जो कोई जिम्मेवारी समाज लाए ते उहनूं निभांदे ने, पर बेपरवाह जरूर हुंदे ने। बेपरवाह सदा रंग हर कै जां को पाख स्वामी संतन अवर ना काहूं जानी। सुकरात ने कोई ध्यान ना दिता, ते ये कहन लगा अपना नां लैके भी मैं फलाना वा, क्योंकि मैं बड़ा रिच हाँ, मेरे नां नूं सारे जानदे ने। वह कहन लगे जी चलो ठीक है। फिर भी उहदी तसली ना होई भी सुकरात ने कोई विशेष सत्कार नहीं दिता। गुस्से च कहन लगा तू मैनूं जानदा नहीं। छेती नाल सुकरात उठिया, तो एक किल दे नाल वर्ल्ड दा टंगिया होया नक्शा ला के ते इहदे सामने रख दिता। कह लगा थोड़ी खेचल करो, इहदे चों यूनान लभो। लभ लिया, देश लभो अपना देश लभ लिया, सूबा लभो सूबा अपना स्टेट लभो, प्रांत रियासत लभो लभ ली, एथेंस लभो। हुण जदों एथेंस लभण लगा तो छोटा जिहा टिमकणा नक्शे ते, छोटा जिहा अज भी एथेंस दा टिमकणा हुंदा है। कहन लगा इह रिहा, कहन लगा इहदे च अपना टाउन लभ, टाउन चों एवन्यू लभ, स्ट्रीट लभ, हाउस लभ, ते हाउस चों खुद नूं लभ। इह ते संसार दे नक्शे दी गल है, जे तू ब्रह्मांड दे नक्शे ते अपने आप नूं वेखे ते तेरी पाया की। तू कहना तू मैनू जानदा नहीं, मैं तेनू फिर जानांगा, तू पहलों अपने आप नूं आप जान लै भी तू की है, फिर मैं भी जान लांगा। और क्योंकि असी खूह दे डड्डू हाँ, इस वास्ते असी खुद नूं ते थोड़ा जान लैंदे हाँ भी मैं बड़ी चीज़ हाँ, पर सानू यह नहीं पता भी उहदा ब्रह्मांड बहुत वड्डा है, उहदे मुकाबलतन असी कुछ भी नहीं। माया दी खूही विच मनुख डिग्गा होया है, बाहर दी कोई खबर नहीं, समझ आ गई है भी बाहर भी कुछ है। भगत रवदास साहब सानू
खबरदार करते ने, कहते ने खूह के डड्डू ना बनो, बाहर निकलो, नहीं निकलिया जाता तो परमात्मा अगे अरदास करो तो आखो कूप भरियो जैसे दादीरा कच्छ देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहया कच्छ आरा पार ना सूझ। बाणी च इस खूह के डड्डू चो निक इस खूह के विचों बाहर निकल दे कई थावां ते मैथड समझाए ने भी खूह है असी खूह के डड्डू हाँ। गल समझ आ गई। हुण सवाल पैदा होंदा इहदे चो बाहर किवें निकलना, ब्रह्मंडी सोच दे धारनी किवें बनना है। कई मैथड समझाए ने, सारिआं नूं ते टच नहीं कीता जांदा। एक गुरबाणी विचों मैथड बिल्कुल ब्रीफ जिहा संखेप जिहा भी, जे वाकई असी किसी खूह दे विच माया दे खूह विच डिग पए होईए ते अपने बलबूते बाहर ना निकलिया जाए तो फिर बाहर किवें निकलना है। शब्द भगत नामदेव साहब महाराज जी का है। भगत नामदेव साहब महाराज कहिंदे ने, गल जिथों शुरू हुंदी है, कहिंदे ने भी एक दिन मैनू इलहाम होया, आसमान दे विच्चों आवाज़ आई भी नामदेव तेनू पता है भी जिहड़ा मेरा अनिन सेवक है उहदी किड्डी उच्ची आत्मक अवस्था हुंदी है। महाराज मैनू तो नहीं पता, तुसी कृपा करके दसो। ठीक है मैं दसना, तू खबरदार हो जा, सचेत हो जा। महाराज मैं सचेत हाँ, तुसी कृपा करो। तो भगत नामदेव साहब दे बाणी च बोलने कहिंदे ने इलहाम होया, आवाज़ आई, कहन लगे नोट कर, दास अनिन मेरो निज रूप। जिहड़ा मेरा अनिन सेवक है उहदे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं। वैसे तुसी अनिन भी वेखो ते जिहड़ा वाहिद एक अकाल पुरख विच भरोसा रखदा है, दुबेड़ी लत्तां नहीं। जिस तरह आम तौर ते हुंदा है भई असी कई इष्ट बना लैंदे आ, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं भी मत्था टेक लेना है, होर भी किसी जगह ते टेक लेना है, तो सिख नूं ये हुक्म है कि वह अपना इष्ट अकाल पुरख ते अकाल पुरख सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मन्ने, होर किसी की निंदा ना करे, आलोचना ना करे, झगड़ा झंझट ना करे, पर विश्वास अपने इष्ट विच ही रखे। एक बेड़ी विच सवार होवे, कईआं बेड़ियां विच सवार ना होवे। बंदा आम तौर पर जिस तरह दुनियावी पक्षों होशियारियां करता है, कई बार धार्मिक फील्ड विच भी इस तरह दियां होशियारियां कर लैंदा है। भाई चलो इस जगह पर भी चला जाना, इतों मुराद पूरी हो जाएगी, इतों ना होगी तो एक होर जगह पर चला जाना, उतों मुराद पूरी हो जाएगी। और जदों इस तरह करता है कई बार इंज हों भी वो मुराद कितों भी नहीं पूरी होंगी। एको पिंड चार घर रिश्तेदारी आ के बैठे, जुत्ती लाई, उन्हें पानी पियाया, चाह पियाई, कहन लगा जरा उन्हां नूं भी मिल आवां, दूजे घर मिल के कहन लगा तीजियां नूं मिल आवां, तीजे घर नूं मिल के कहन लगा चौथे नूं मिल आवां। वो चारे ही कन्फ्यूज हो गया भी प्रशादा किन्ने बनाना है, किसे ने भी ना बनाया। भाई गुरदास कहिंदे ने बहुते करी प्रौणा ज्यों रहिंदा भुखा। जिहड़ा बहुत सारे इष्ट बना लैंदा है वह कोई इष्ट भी उहदी पैरवाई नहीं करता। एक कहिंदा दूजा करेगा, दूजा कहिंदा तीजा करेगा, तीजा कहिंदा चौथा करेगा, कभी कोई भी नहीं करता। एक दे आसरे होवे तो उन्हूं फिकर होवे मेरे घर आया है, मैं इहदा आर पार करना। इसलिए आलोचना किसी की नहीं, निंदा किसी की नहीं, झगड़ा झंझट किसी नाल नहीं, ईरखा किसी नाल नहीं, इष्ट सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज।